एक स्पॉइलर तक 5-5, 6-6 लाख रुपए का आता है। एक सर्विस इसकी पौने 2 लाख के आसपास आती है। माइलेज तो ये लोग कहते हैं ना, तेल पीती है, ये खून पीती है आदमी का। 1 से 1.5 लाख रुपए का तेल ही आराम से महीने का पी जाती है। शेर से भी ज्यादा तेज दहाड़ती है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ में है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कार, ये है जी वैगन। ये माफिया गाड़ी है, इसको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे ना, जितने भी मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं, उनकी कार कलेक्शन में ये गाड़ी ज़रूर होती है। इस गाड़ी का लेवल ही अलग है भाई, क्या लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है, जिसका क्या कहना। और उसके ऊपर से ये G63 AMG है, फुल ब्लैक कलर में है, इसका तो क्या ही कहना, इतनी खूबसूरत लग रही है। और ये गाड़ी जिनकी है उनको आप लोग जानते होंगे, वो भी एक यूट्यूबर है, तो उनको पहले वेलकम कर लेते हैं। संजू प्लीज़ आ जाइए फ्रेम में फिर से। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज संजू पूरा पेयर करके आए हैं जी वैगन के साथ में, ब्लैक ब्लैक मैचिंग करके आए हुए हैं। अच्छा ये बताओ, आपने ये कब परचेज की थी? ये मैंने 26 मार्च 2023 में लास्ट ईयर ही परचेज की थी। कौन सा मॉडल है ये? 2017 है। 2017 है, ठीक है। ये फेसलिफ्ट से पहले वाला वर्जन है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा ये आपको कितने की पड़ी? ये 1.5 करोड़ की। 1.5 करोड़ की पड़ी भाई। इसमें ना काफी सारी लोडिंग्स वगैरह भी नजर आ रही है, तो क्या क्या करवा रखा है थोड़ा वो भी बता दो। ड्राइवर्स की लोडिंग है, अलॉय अंदर से, स्टेयरिंग ये ऊपर की है, और लाइटिंग है, और ये स्पॉइलर है, और ये ब्रैबस स्पेयर व्हील का कवर है, ठीक है। इवन अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे अलॉयज भी ब्रैबस के हैं। तो यहाँ पे काफी सारी लोडिंग्स इस गाड़ी में ब्रैबस की हो रखी है। तो जिनको नहीं पता ब्रैबस क्या होता है, मर्सिडीज के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड किट्स आती है ब्रैबस की। एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो सुपर डुपर एक्सपेंसिव किट्स बनाता है, बट उसकी जो लुक है, जो फील है, वो अलग ही होती है। मतलब इतनी एक्सपेंसिव है, एक एक स्पॉइलर तक 5-5, 6-6 लाख रुपए का आता है। तो आप सोच सकते हो कितनी महंगी है ब्रैबस की मॉडिफिकेशंस। अभी जैसे आपने ब्रैबस की काफी सारी इस पर करवा रखी है, तो इसमें ना एक ये वाले लोगो में भी पूरा ब्रैबस का लोगो आता है, तो आपने वो क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि लोग लगवाते हैं, मतलब वो फिर ये मर्सिडीज कहीं नहीं रहता, ब्रैबस पीछे लिखा हुआ है, यहाँ है अलॉय पे लिखा हुआ। तो आप चाहते थे एक मर्सिडीज का जो लोगो है वो गाड़ी के ऊपर प्रॉपर दिखना चाहिए, बाकी जगह से ब्रैबस आ जाए। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ग्रेट। अगर आप इसमें अलॉय व्हील्स देखोगे, इसमें 22 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। टायर स्पेसिफिकेशन की भी बात करें तो इसमें आपको 305/40R22 का टायर सेक्शन मिल जाता है। भाई लिटरली ये गाड़ी का साइज इतना मतलब बड़ा है ना, कि इसमें आपको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें 22 इंच के अलॉयज लगे हुए हैं। देखने में पता ही नहीं लगता कि 22 इंच है, मतलब 22 इंच को भी ये छोटा दिखला रही है, इतनी बड़ी लगती है गाड़ी देखने में। मतलब लिटरली मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही, ये गाड़ी की ऊंचाई भी अगर आप देखोगे तो मेरी हाइट 5'8" है, इनकी 5'11" है, आप देख सकते हो। उसके बावजूद ये गाड़ी कितनी ज्यादा ऊंची है भाई। ये मर्सिडीज तो है, लेकिन इसके अंदर आपको ना एकदम रगेड फील मिलेगी। ये देखो, सुन रहा होगा, एकदम रॉनेस है इस गाड़ी के अंदर। अगर लग्जरी के लिए आप मर्सिडीज ले रहे हो तो ये वो मर्सिडीज नहीं है जो आपको लेनी चाहिए। एकदम रफ एंड टफ बिहेवियर वाली गाड़ी है। इवन अगर आप इसका इंटीरियर भी देखोगे तो आपको इसके अंदर प्रॉपर रो फील्स दिखेगी, जितनी लग्जरी मर्सिडीज ऑफर करता है उसके आगे कम दिखती है, क्योंकि भाई ये प्रॉपर माफिया काइंड ऑफ व्हीकल है, तो उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। यार ये G63 AMG है, तो इसका जो एग्जॉस्ट है उसकी आवाज सुनना बनता है, तो एक बार एग्जॉस्ट की आवाज भी सुना दो रेव करके। गाइस आपने सुन ही लिया होगा, शेड से भी ज्यादा तेज दहाड़ती है ये। एक बात बताओ, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको? परफॉर्मेंस तो पूछो ही मत, मतलब रोड पे जब चलते हैं ना, इस गाड़ी को चलाने की फील आती है। मतलब 150 के आसपास के बाद है ना, जिगरा चाहिए चलाने के लिए, हार्ट बीट ऐसे बढ़ जाती है ना, नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में नहीं होता, इसमें बढ़ जाती है। अच्छा अभी जैसे आपने ये सनरूफ खोल रखी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें सनशेड एटलीस्ट आना चाहिए? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं एट दी एंड, तो अगर हम लोग ऐसे मान लो हमें शूट वगैरह करना है, ये ऐसे सनरूफ खोल के पूरी गाड़ी चलाते हैं, तो अंदर मिट्टी, बारिश, अगर स्नो हुई तो स्नो सब तो थोड़ी आपको ये चीज लगती है? नहीं लगती। मेरे कहने का मतलब ये है कि सनशेड इसमें ऐसे है, बट आप उसको अकेला नहीं हटा सकते हो, इसीलिए मैंने बोला कि आपको साथ ही हटाना पड़ेगा, तो ये ओपन ही रहेगी अगर आपको सनरूफ खोलनी है तो। परफॉर्मेंस का तो आप बहुत फील ले रहे हो, ये बताओ माइलेज वगैरह कितनी निकाल के दे रही है गाड़ी? माइलेज तो ये लोग कहते हैं ना, तेल पीती है, ये खून पीती है आदमी का। 2 से 3 की एवरेज देती है, और इसमें पेट्रोल भी फिर महंगे वाला डलता है, 105 रुपए लीटर वाला, तो कुछ भी एवरेज नहीं लगा, मतलब ये लगा लो 1 से 1.5 लाख रुपए का तेल ही आराम से महीने का पी जाती है। भाई अब आपको ऐसी गाड़ियां रखनी है तो नवाब साहब है ये, शौक तो मतलब खर्चा तो एक्स्ट्रा आएगा ही, झेलना ही पड़ेगा ये तो आपको। चलो हमने तारीफें बहुत कर ली, ये बताओ आपको इस गाड़ी में कमी क्या लगती है?
कमी देखो, अगर ये 3.5-4 करोड़ की गाड़ी है उस बिल्कुल हिसाब से कंफर्ट नहीं, आप ज़्यादा लंबे सफर पे नहीं जा सकते। काफी रगेड है ये गाड़ी। और देखो मेरे को कभी सुबह जिम में इसको लेके जाता हूँ ना, मेरे को प्रोटीन शेक रखना पड़ता है, तो ओके, उसकी शेकर वगैरह उसकी भी जगह नहीं है इसमें, मतलब ओके। थोड़ी बहुत तो फीचर दे देते, साइड में बोतल रखने की भी जगह नहीं है, और ज्यादा रो बना दे है। रॉनेस ज्यादा है, आपको हाँ थोड़ी सी लग्जरी और चाहिए थी। आदत अभी अगर ज्यादा आप है ना। नई वाली जी वैगन का इंटीरियर देखेंगे तो वो इससे बहुत ज्यादा हाँ प्रीमियम निकाला देखिए, है, वो मैंने बहुत दुबई प्यारा में है। चलाई थी, उसमें तो बहुत ज्यादा फीचर है हाँ, और सीट पकड़ लेती है बंदे को, इंटीरियर भी बहुत प्यारा है उसका प्यारा है एक्चुअल उसका। में। क्या आप भी अपनी गाड़ी के लिए एक अच्छा कार परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है। ये है इन्वॉल्व का एप्रिकॉट वनीला परफ्यूम। यार ये ना जेन्युइनली बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसके साथ आपको एक ऐसा टैग मिलता है एंड आपको बस इस तरह से यहाँ पे हैंग करना है। उसके बाद आपको बस 2 स्प्रे करने हैं और इसकी फ्रेग्रेंस मतलब इतनी डिफरेंट है ना, जेन्युइनली इतनी वाइड वेरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस आपको और कोई कार परफ्यूम में नहीं मिलेगी और जेन्युइनली बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा इतना रिफ्रेशिंग स्मेल करता है, इतना डिलीशियस स्मेल कर रहा है ये वाला, तो मैं क्या ही आपको बताऊं। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। अब आपने ये परचेज किया है, इससे इतना प्यार हो रहा है, नई वाली जी वैगन लेने का कोई प्लान है? नई वाले के लिए वेट बहुत करना पड़ेगा ना। तो कोई नहीं, फ्यूजन कार का दरवाजा खटखटाइए, आपके लिए तो हमेशा दरवाजे खुले ही जी हैं। वैगन चला नहीं ना अब, नई वाली का क्या, जी वैगन का ऑफ एक्सपीरियंस कोर्स, ले ऑफ लिया, कोर्स। अब कोई और। अब कोई और चाहिए, चलो ये भी ठीक है। यार मुझे ना जी वैगन में एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, इसका जो रियर सिटिंग स्पेस है ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, काफी कॉम्प्रोमाइज सा लगता है। यार इसका ये जो टेल गेट है ना वो इतना ज्यादा हैवी है ना, एक तो फिर इसके ऊपर स्पेयर व्हील भी माउंटेड है तो वो भी डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके ऊपर से यहाँ पे आप इसका बूट स्पेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बूट स्पेस मिलता है आपको और कुछ ऐसी मैश वगैरह भी मिल जाती है, मगर कोई मतलब अगर आपको पेपर्स वगैरह छोटी छोटी चीजें सिक्योर रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यार इसकी ना हेडलाइट्स बड़ी प्यारी ऑन होती है, एक बार ऑन करके दिखाना प्लीज। पहले ये हाफ सर्कल लेगी, फिर फुल सर्कल लेगी, फिर जाके पूरी टर्न ऑन होगी, पूरे नखरे दिखाती है, पर लाइट होने के बाद बहुत प्यारी लगती है। और यार एक बार आप इसकी लुक देखो, एक तो ब्लैक कलर की है, उसके ऊपर से जी वैगन है, मतलब डेडली डेडली कॉम्बिनेशन है, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल क्या ही हो सकता है। अब क्योंकि ये G63 AMG है तो इसके V8 बाय टर्बो इंजन के दर्शन कर लो भाई, इसकी फील इसकी ड्राइव अलग ही है भाई। इतना बड़ा हाथी पाल रखा है तो इसकी सर्विस कॉस्ट क्या झेलनी पड़ रही है आपको, चारा क्या डल रहा है इसको? एक सर्विस इसकी पौने 2 लाख के आसपास आती है, नॉर्मल बेसिक था। सर्विस करानी है तो ओके, एक्सपेक्टेड था ये, तो भाई इतनी तो आएगी ही आएगी, इतना खर्चा करके गाड़ी लाओगे तो इतनी सर्विस तो जायज है, लोग समझ कहते में हैं ना आती कि हाथी खरीदना मुश्किल नहीं है, उसको पालना मुश्किल वो है। सच बात है, बिल्कुल पालना ज्यादा मुश्किल है, वो छोटे छोटे खर्चे करके कब बड़े बन जाते हैं ना, 1.5 से 2 लाख रुपए की सर्विस के पेट्रोल, छोटा सा भी कुछ खराब हो जाए, ओहो पहले तो ढूंढना मुश्किल, मिल जाए तो वो चेंज कराने में जो कॉस्ट। तो वैसे इसकी टॉप स्पीड आपके हिसाब से कितनी है, आपने कितनी भगाई है इसको लास्ट? मैंने लास्ट 200 तक तो भगाई है, उसके बाद जिगरा नहीं था, मैंने भगा रोक लो, इससे ज्यादा नहीं। चलो वो तो अपना अपना टेक है, वो जो कोट होता है ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो वो कोट मैं तो अपने दिल में बहुत अच्छी तरह मानती हूँ, जितना आपको लगे उतना भगाओ, बहुत एक्स्ट्रा भगाने की कोई नीड भी नहीं है भाई। तो ये थी जी वैगन G63 AMG। भाई ये गाड़ी ना जेन्युइनली मैं सारा दिन बैठ के इसकी तारीफ कर सकती हूँ, ये गाड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, भगवान ने चाहा तो कभी मैं ज़रूर ओन करूँगी। बाकी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऑनरशिप एक्सपीरियंस कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना, मिलती होगी वीडियो में, बाय बाय।